और अहम खबर के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं ग्वालियर से। बीजेपी जिला कोर कमेटी की बैठक शुरू हो गई है, ये बड़ी जानकारी ग्वालियर से। और बैठक में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट मौजूद हैं, मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रत्याशियों के नाम पर मंथन चल रहा है, बड़ी और अहम खबर है इस समय की ग्वालियर से। बीजेपी जिला कोर कमेटी की बैठक शुरू हो गई है ग्वालियर से, इस समय की ये बड़ी जानकारी। कोर कमेटी की बैठक शुरू हुई है, तुलसी सिलावट की मौजूदगी है इस बैठक के अंदर और प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मौजूद हैं। बड़ी जानकारी है, प्रत्याशियों के नाम को लेकर के मंथन किया जा रहा है। प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट की मौजूदगी है और मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया जा रहा है, समय की यह बड़ी खबर। ग्वालियर से बीजेपी जिला कोर कमेटी की बैठक शुरू हो गई है, प्रत्याशी कौन होगा इसको लेकर के चर्चा इस कोर कमेटी की बैठक के अंदर की जा रही है। तो बड़ी जानकारी ग्वालियर से, बीजेपी जिला कोर कमेटी की बैठक शुरू हुई है और बैठक में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट मौजूद हैं और इसके अलावा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी इस बैठक में शामिल हुए हैं और इस बैठक में प्रत्याशियों के नाम को लेकर के मंथन किया जा रहा है क्योंकि दावेदारी कई हैं और ऐसे में प्रत्याशी कौन हो सकता है इसको लेकर के मंथन इस बेहद अहम बैठक में जारी है। तो कोर कमेटी की यह बैठक है शुरू हो चुकी है, जिला कोर कमेटी की बैठक, इसमें तुलसी सिलावट की मौजूदगी है, प्रद्युम्न सिंह तोमर इस बैठक में मौजूद हैं और यहां पर प्रत्याशियों के नाम को लेकर के मंथन फिलहाल जारी है। तो ग्वालियर से समय की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्वालियर से ये बड़ी खबर है, बीजेपी के जिला कोर कमेटी की बैठक शुरू हो गई है और प्रभारी तुलसी सिलावट इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा प्रद्युम्न सिंह तोमर भी इस बैठक में मौजूद हैं और प्रत्याशियों के नाम को लेकर के मंथन फिलहाल इस बैठक में अभी जारी है और अब देखना यह है कि इस बैठक के बाद में किस नाम पर सहमति बनती है या ऐसा कौन सा नाम है जो इस बैठक के अंदर जिसमें चर्चा की जा रही है, जिस पर मोहर लगाई जाती है। संतोष सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। संतोष, जिला कोर कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है, क्या जानकारी निकल रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर में जिला कोर कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है और इसमें ग्वालियर जिले के प्रभारी हैं तुलसी सिलावट जी, वो मौजूद हो चुके हैं और अभी अभी प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा वो भी बैठक में शामिल होने आ चुके हैं और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और शहर के जो जिला और ग्रामीण अध्यक्ष है वो भी मौजूद है और ग्वालियर सांसद विवेक सेजवलकर भी मौजूद है। तो ये मंथन का दौर अभी शुरू हो गया और लगभग ये मीटिंग एक से दो घंटे चलेगी और इस मीटिंग में अभी ऐसी सूचना मिल रही है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर दोनों बैठक में आने वाले हैं और बैठक में उपस्थित होंगे, उसके बाद मंथन किया जाएगा। संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है आज शाम को 6 बजे या कल ग्वालियर के जो महापौर प्रत्याशी को लेकर और ग्वालियर जिले के जो पार्षद पद के प्रत्याशी उनको लेकर मंथन है और कल शायद इसका डिक्लेयर भी किया जाएगा जी। संतोष, महापौर को लेकर के हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा चर्चाएं हैं, क्या कुछ नाम ऐसे हैं जो कि निकलकर सामने आ रहे हैं या बिल्कुल पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है, इंतजार करना पड़ेगा कि बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा कि कौन सा नाम हो सकता है ग्वालियर के लिए? देखिए, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी 3 नामों पे चर्चा चल रही है। एक पहला नाम था माया सिंह का, लेकिन वो क्राइटेरिया जो आ रहा है उसके उस हिसाब से उनकी उम्र ज्यादा है, 31 वर्ष उनकी उम्र हो चुकी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, एक अच्छा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास है जो महापौर पद के लिए बहुत उपयुक्त हो सकता है। अगर किसी क्राइटेरिया की वजह से अगर उनके नाम पर मोहर नहीं लग पाती है तो दूसरा नाम वरिष्ठ भाजपा नेत्री है सुमन शर्मा, उनके नाम पर मोहर लग सकती है। अगर उनपे भी सहमति नहीं बनवाई तो तीसरा नाम पूर्व महापौर, निगाह सबके टिकी हुई है लेकिन वो ओबीसी वर्ग से आती है और सीट जो है वो सामान्य वर्ग की है, तो कहीं ना कहीं तालमेल उठाने की पूरी कोशिश की जा रही है या कोई नया चेहरा जो वर्तमान में पार्षद है तो उसको मैदान में उतारा जा सकता है। उसमें 2 नाम निकल कर आए हैं, एक महिला मोर्चे में पदाधिकारी रही है खुशबू गुप्ता और दूसरी गौरी रिंकू परमार, ये पार्षद रह चुकी है और दोनों का ही बैकग्राउंड। चलिए संतोष, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत की जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।